सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रैंक गेम में अपनी रैंक पुश कैसे कर सकते हो। तो हाँ, 6 दिन पहले ही अपना एक रैंक पुश स्टार्ट हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले एकदम लास्ट में जाना है मैप को। ये मैं जंप कर चुका हूँ और ये मेरे को एक बैग मिला और ये एक बंदा है। इसको पहले ऐसे आपको पानी में भी उतर सकते हो। आप पानी में उतरोगे तो ये देखिए मैंने इसको डैमेज किया। भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने इसको डैमेज दे दिया। मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा क्योंकि अपने पास एक गन आ चुकी है। तो भाई लोग, आपको अगर बंदा मिले तो आपको मार देना है जितनी जल्दी हो सके। एक बंदा मिलेंगे, ज़्यादा बार नहीं मिलेंगे। तो पहले मैं अपनी लूट ले लेता हूँ, मेरा बाउंटी लगा था इस पर, तो मैं अपना लूट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसे एकदम चले जाना है पानी की साइड। आपने सही सुना, आपको चले जाना है पानी की साइड। पानी में ऐसे देखिए आपका चलते 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 पानी में चले जाना है। तो आप ऐसे पानी में चले जाइए और आप यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा दूर चले जाइए कि आपको कोई बंदा देख ना पाए। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको हमारे हीलिंग बैटल करना है। तो आपको ऐसे पानी में जाना है और पानी में जाके जोन का इंतज़ार करना है कि जोन कब आएगा। तो आपको मैं कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट जोन बन चुका है। जोन मेरे बिल्कुल करीब है। तो अगर आपका जोन बिल्कुल ऐसे पानी की साइड ही बना हो तो आपको पानी में ही चले जाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ। चलते रहें। मैं यहाँ पर इन गनों का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बंदे कभी कभी ही आते हैं, एक दो बारी ही आते हैं। तो आपको एक आधी बारी तो गन मिल जाएगी, आप अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। पर आपको ज़्यादातर गन नहीं मिलेगी, ना ही आपको कुछ मेडकिट वगैरह मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको पानी में जोन बना तो पानी में जोन में जाना है। अगर पानी में नहीं बना तो आपको ऐसे पानी में तैरते ही रहना है जब तक जोन ना आ जाए। आपको जोन आने का वेट करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा। तो आपका रैंक पुश ऐसे होती रहेगी। चलिए, तो मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ। तो गाइस, आपको अब क्या करना है कि आपको एकदम कोने में जाके छुप के बैठ जाना है कि आपको कोई बंदा देख ना सके। तो देख लीजिए, मैं अभी यहाँ पर बैठ चुका हूँ कोने में। और यहाँ पर अगर आपको कोई बंदा देख लेता है इसीलिए, और आपको हेडशॉट मारने की कोशिश करता है इसीलिए, आप थोड़ा बहुत हिलते रहना कि आपको वो हेडशॉट भी कोई बंदा देख के मार ना पाए। वैसे आपको कोई नहीं देखेगा क्योंकि कोई पानी में आता ही नहीं है। तो देख लीजिए, जोन आ चुका है। देख लीजिए, आपका जोन आ चुका है। आप मैप में देख लीजिए,
जोन तो आ गया। अब आपको बस यहाँ पर ऐसे बैठे रहना है, बैठे रहना है, थोड़ी देर ऐसे कैंप करना है। तो देख लीजिए गाइस कि यहाँ पर मेरा जोन से मैं बाहर हो चुका हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको जोन से बाहर ही रहना है, जोन के अंदर नहीं आना है। अगर आप जोन के अंदर चले जाओगे तो ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे मरने के। तो आपको करना है थोड़ा सर्वाइव। अगर आपका बिल्कुल जोन जैसे मेरे पास है, बिल्कुल ही पास है आपका जोन, तो आप थोड़ा बहुत कर करके थोड़ा सा जोन को ऐसे पीछे छोड़ सकते हो। मेरा जोन बिल्कुल ही ऐसी जगह पे बना था जैसे जहाँ पर मैं था। देख लीजिए मेरा जोन ऐसी जगह पे बना है जहाँ पर कोई नहीं आता और वहाँ पर मैं छुपा हुआ हूँ और इस पेड़ के कवर में मैं छुप जाता हूँ। अब जोन आएगा जब तक मैं वीडियो को कट कर देता हूँ। तो गाइस देख लीजिए हमारा थर्ड जोन मतलब लास्ट सेकंड जोन बन चुका है। तो आपको उसके अंदर जाने की देरी नहीं करनी है। आपको उसके अंदर बिल्कुल ऐसे साइड साइड से बिल्कुल छुप छुप के चले जाना है, क्योंकि थर्ड जोन आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो देखिए मैं कैसे थर्ड जोन में जाता हूँ। बहुत ज़्यादा बिल्कुल हार्डकोर आपको कैंपिंग करनी है कि आप अपने रैंक को हीरोइक तक ले जाए। अगर आपको बिल्कुल हार्डकोर कैंपिंग की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना हार्डकोर #हार्डकोर कैंपिंग। तो आपको मैं एक बिल्कुल हार्डकोर कैंपिंग की वीडियो बता दूंगा जिसमें आपका एक भी माइनस कटेगा नहीं। चलिए मैं उस जो आपको उसके अंदर एक और टिप है इसके अंदर कि आपको एक ड्रॉप को कभी नहीं छोड़ना। अगर आपके सामने ड्रॉप पड़ी हो तो पहले ड्रॉप को जांचो कि उधर कोई बंदा नहीं है। अगर है तो उसको पहले ध्यान से, अगर आपके पास सप्रेसर है तो मार दो, अगर नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से ऐसे मारना कि किसी को पता ना चले। वो देखिए इसमें सालों ने लूट रखा है किसी ने। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ क्योंकि इसमें किसी पागल व्यक्ति ने लूट लिया है। मेरे लिए ड्रॉप में कुछ छोड़ा ही नहीं, पैराफिन छोड़ी है, मेरे को चाहिए नहीं। और अभी मेरे पास दो एयर गन है। तो आपको कहीं ना कहीं से थर्ड जोन में एक SMG गन का जुगाड़ करना ही होगा। और देखिए मैं टॉप 10 में आ ही चुका हूँ और मैंने एक किल के साथ टॉप 10 में आ गया। आप 0 किल के साथ आएंगे और उधर एक फाइट चल रही है। तो अब मैं टॉप 10 में आ गया हूँ तो मेरे को कोई डर नहीं है माइनस का। तो मैं अपना वो तो आपको पहले क्या करना है कि आपको जोन पकड़ना है। अगर आपने जोन अच्छी तरह पकड़ लिया और आपके पास ग्लूल है तो आप बुआ कर सकते हो बहुत अच्छे वाला। अगर आपके पास ग्लूल नहीं है तो आप टॉप 5 में आ तो जाओगे, बुआ करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको आपके बाउंटी में से या फिर कोई एक किल मिलता है उसमें से ग्लूल मिल गई तो आपका बुआ होना बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे। अगर आपको ऐसे कैंप करने में मज़ा नहीं आया तो आप बताइए, मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एकदम भी हार्ड को नहीं। देख लीजिए मुझे मैंने एक बंदा और मार दिया। मैं वैसे हेडशॉट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कभी कभी मेरा हेडशॉट मारने का मन हो तो मैं मार देता हूँ। और अगर आपके सामने ड्रॉप पड़ा हो जो जोन के अंदर हो तो आप उसे लूटना बेशक। अगर उसके पास बंदा हो तो पहले बंदे को मारना जैसे मैं मर गया। लोल यार उसके पास एक ही थी, मेरे पास ग्लू वॉल नहीं थी यार, शिट ग्लू वॉल यार। तो देख लीजिए मैं टॉप 5 में आ चुका था और मेरे प्लस देखिए मैंने कितनी 37 प्लस कर ली है अपनी बिना कुछ किए। मैं टॉप 5 में आ गया था। अगर आपका ऐसे लगता है कि वहाँ पर बंदा है तो आप बिल्कुल मत जाइए, पहले उस बंदे को मारिए उसके बाद ही उस ड्रॉप को लूटने जाइए। अगर आप, मेरे को तो लगा नहीं था कि उधर बंदा हो सकता है, पर वो बंदा जोन में से आ रहा था तो मेरे को पता नहीं चला कि वहाँ पर एक बंदा है।
तो सॉरी गाइस, मैं ये वाला गेम बुझे नहीं कर पाया, बट आगे आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें मैं बुझे करता पाऊंगा। और मैं वैसे ज़्यादा हेडशॉट के ऊपर नहीं ध्यान देता हूँ। फिर आपको आप नीचे कमेंट कीजिए कि मैं हेडशॉट मारना शुरू करूँ या और हेडशॉट की भी वीडियोस लाऊं, तो शुरू वो कमेंट करना शुरू कर देना अभी से ही। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू गाइस।